नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं आज के दूसरे वीडियो में। और हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइलम की या ऐसे संघ की जिसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है और उसमें से प्रश्न भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बनते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं टिनोफोरा संघ के बारे में। हमने पहले की जो चैप्टर हैं उसमें पोरीफेरा संघ निपटा लिया है। पोरीफेरा के बाद में हमने सेलेंटेटा निडेरिया की बात करी थी, है ना। तो उससे पहले इनमें दोनों चीज़ ख़त्म करें और प्लेटीहेल्मिंथीस पे जाएं, उससे पहले हमारे पास में एक संघ और आता है टिनोफोरा। तो आज सीधा सीधा हम टिनोफोरा पे फोकस करेंगे। आप लोगों के कमेंट ये बता रहे हैं कि क्लास के कुछ मैं और भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा डालूं और साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास भी डालूं। मेरा प्रयास लगातार है और आप बेफिक्र रहिए इस मामले में, और बहुत जल्दी हम सिलेबस को कवर करने का लगातार प्रयास करूंगा मैं आप लोगों के लिए। कुछ लोगों ने कहा है क्या हमें बीच रास्ते में तो नहीं छोड़ देंगे। हेमंत सुथार इसीलिए जाना जाता है कि अगर कोई काम पहली बात तो हाथ में लेता नहीं हूँ मैं, जो कि काम मेरा होता है कि ये काम करना है। अगर मैंने किसी काम को हाथ में ले लिया है तो उसका सिर्फ एक ही अर्थ होगा कि उस कार्य को संपूर्ण रूप से कंप्लीट करके ही उसे सुपरित किया जाए। और अब जब मैंने आप लोगों के सिलेबस के बारे में बात कर ली है और कहीं ना कहीं बात हो गई, तो मैं यकीन मानिए बायोलॉजी की कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी का पूरा सेशन कंप्लीट कराऊंगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स की अगर जो टॉपिक्स की बात चल रही है उनमें भी पूरा का पूरा कंप्लीट कराने का मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन आप लोग भी प्रयास करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए, प्रयास कीजिए। कोई चीज़ अगर कमी महसूस होती है तुरंत बोलिए, क्योंकि अपने लोग ही अपने को बता सकते हैं, कोई दूसरा प्रायः नहीं बताएगा। हो सकता है कोई आपका नेगेटिव फीडबैक भी आता हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे आपत्ति उस चीज़ की नहीं होती है। और जिन लोगों को लगता है कि मैंने चैनल केवल पैसों के लिए बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमारा उद्देश्य आप लोगों से जुड़ना है और हम जुड़ रहे हैं। चलिए सीधा ले चल रहा हूँ आपका टिनोफोरा के पास में, और सीधे चलते हैं अपन टिनोफोरा पे। दोस्तों देखो, टिनोफोरा की जब बात आती है दिमाग में तो टिनोफोरा किस प्रकार का है, और इसमें आपको याद आना चाहिए बिल्ली की आँख, है ना। इसका सबसे प्रचलित प्रकार का है, हमने नाम भी सुना है बिरोई। क्या नाम सुना है? बिरोई। बिरोई मैं संघ की बात करूँ उससे पहले डायरेक्ट बिरोई पे आया हूँ। और इसका खासियत क्या है? बिल्ली की आँख। बिल्ली की आँख दोस्तों, हमने बिल्ली की आँख के बारे में सुना है या कहीं ना कहीं इस जानवर के बारे में सुना है, जंतु के बारे में सुना है, इसीलिए मैं पहले आपको इस पे लेके आया हूँ। खैर, बिल्ली की आँख या बिरोई के बारे में जानने से पहले हमको चलना होगा टिनोफोरा के पास। टिनोफोरा एक ऐसा संघ है जो कि बहुत अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन कहाँ पाया जा रहा है ये? तो सिलेंटेट्स के ठीक बाद पाया जा रहा है। सबसे पहले इसके विषय को पृथक करने वाला कौन था? हेचेक। हेचे की वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसे एक संघ की उपाधि दी। आखिरकार अगर कोई पूछ ले कि टिनोफोरा के लक्षण क्या क्या हैं, किसके पूछ रहा हूँ मैं, टिनोफोरा के लक्षण क्या क्या हैं, तो पहली बात तो ये समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं ये? समुद्री होते हैं। दूसरी बात, अधिकांश सदस्य जो कैसे हैं? एकल होते हैं। और ये कैसे होते हैं? तो सतही होते हैं। एकल होते हैं और कैसे होंगे ये? सतही। सतही मतलब समझ रहे हैं आप, किसी न किसी सरफेस या सतह पर रहने वाले सदस्य होंगे। एकल होते हैं, सतही होते हैं, और इनकी सबसे बड़ी खासियत होते हैं ये पारदर्शी होते हैं। सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये पारदर्शी होते हैं। दोस्तों पारदर्शी का मतलब आप समझ गए होंगे, आर पार दिखने वाले सजीव हैं। तो कहीं ना कहीं ये सजीव के बारे में जो काफ़ी सुंदरता भी इनकी होगी, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट इसके बारे में बात करें अगर हम, तो इनकी देह भित्ति या देह संरचना किस प्रकार से होती है? तो देह गुहा या देह भित्ति के बारे में बात करूँ तो ये डिप्लोब्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्ट। आपको ध्यान आना चाहिए, अभी से जितने पहले की बात करिए मैंने डिप्लोब्लास्ट की करी है। और डिप्लोब्लास्ट में कौन कौन आता है तो आपको पता होगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। कौन कौन आएंगे? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। दो चीज़ें हमारे पास में आती है, एक्टोडर्म आती है और एंडोडर्म आती है। इसके लिए क्या कहा जाता है? तो क्या इसमें कंकाल पाया जाता है? जी नहीं, इसके अंदर क्या नहीं पाया जाएगा? कंकाल नहीं पाया जाता है। ये चीज़ भी हमको क्लियर होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ क्लियर करिए। टिनोफोरा का संघ के बारे में सबसे पहले संघ बनाने वाला हेचेक था, लक्षण क्या है? समुद्री है, अधिकांश एकल है और सतही पर पाए जाते हैं और पारदर्शी होते हैं। देह गुहा इनमें पाई जाती है, और देह गुहा कैसी होती है? तो देह गुहा होती है डिप्लोब्लास्ट यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाता है। उसका कंकाल जो होता है कैसा होता है? तो इसमें किसी प्रकार का कंकाल नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आती है, तंत्रिका तंत्र। क्या पॉइंट आ रहा है? तंत्रिका तंत्र। दोस्तों तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और कैसा होता है? तो जाल के समान होता है। कैसा होता है? जाल के समान होता है। तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और कैसा होता है इसके अंदर? तो तंत्रिका तंत्र पाए जाने के बाद में जाल के समान होता है। ये हमने पूरी की पूरी बात करी है कंप्लीट। अब
हमको नेक्स्ट इसका पॉइंट, अगला पॉइंट जो लेना है, अगला पॉइंट हमारे पास में आएगा कि इसके वो करेगा तो सीलिया जो होता है, सीलिया जो होता है उसका उपयोग कौन करेगा, तो टिनोफोरा संघ के सारे सदस्य सीलिया का उपयोग चलने के लिए करेंगे। दोस्तों हो सकता है इस संघ, इस फाइलम के बारे में जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन छोटे बने, है ना, या ये हो सकता है कि ये वीडियो भी बहुत छोटा सा बने क्योंकि ये बहुत छोटा संघ है, है ना। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में कहीं बड़े बन सकते हैं, तो आप दिमाग मत, ये मत लगा लेना कि इस है ना, लेकिन इसको थोड़ा दिमाग लगा चलने के लिए किसका यूज करके, सीलिया का ये उपयोग करेगा। अब बात आती है आखिरकार कि ये जो टिनोफोरा संघ है इसको कितने वर्गों में विभक्त किया गया है, कितनी बार इसको विभक्त किया गया। तो लक्षण पढ़ने के बाद में इसके चलते हैं सीधा क्लासिफिकेशन पर, इसका वर्गीकरण, सीधा सीधा वर्गीकरण करा रहा हूं मैं आपको, और दो भागों में इसको मैं बांट रहा हूं। कितने भागों में बांट रहा हूं मैं इसका, विभक्त कर रहा हूं दो भागों में। एक आता है टेंटाकुलेटा, क्या आएगा, टेंटाकुलेटा। एक पॉइंट कौन सा आ रहा मेरे पास में, टेंटाकुलेटा। दूसरा आ रहा एनुडा या न्यूडा, एनुडा अलग हो जाएगा, खाली न्यूडा, टेंटाकुलेटा, और दूसरा हमारे पास में आ रहा है न्यूडा। आप लोगों को मेरी आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही है, तो टेंटाकुलेटा के बारे में बात करते हैं। दो प्रकार की क्लास है इस संघ की, अगर क्लास पूछी जाए कितनी है, अगर पूछा जाए वर्ग कितने हैं या क्लास कितनी है, तो हमारे पास में कितनी क्लास है, कितनी वर्ग आएगी, दो क्लास आएगी। पहला होता है टेंटाकुलेटा और दूसरा वर्ग मेरे पास में कौन सा आएगा, तो न्यूडा। कौन सा आएगा, तो न्यूडा। आखिरकार इसकी संरचना कैसी होती है इसमें पाई जाने वाली, यहाँ तो ये गोलाकार होते हैं या ये वृत्ताकार होते हैं, है ना। गोलाकार मतलब स्पेयर जो होता है, गोला जो होता है उस वैसे स्ट्रक्चर संरचना है, या इसका एक सर्किल जैसा होता है, है ना, या ये फीताकार होते हैं। फीता समझते हैं आप लोग, फीताकार, है ना, बिल्कुल वो रिबिन जो होता है, फीता जो होता है, फीते की तरह या टेप जैसे होता है उसका आकार का, गोलाकार होता है, है ना। किसकी बात कर रहा हूँ, टेंटाकुलेटर की बात कर रहा हूँ। गोलाकार होता है, फिर दूसरी बात वृत्ताकार होता है, तीसरी बात फीताकार, और इसका मुख्य गुण क्या है, तो स्पर्शक पाए जाते हैं। स्पर्शक क्या होते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन खासियत यह है कि स्पर्शक जो होंगे वो मुख की दिशा में नहीं होंगे। स्पर्शक पाए जाते हैं लेकिन क्या होगा, मुख्य दिशा में नहीं होगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टिनोप्लाना, टिनोप्लाना इसका उदाहरण है, और आपने देखा भी होगा इस टाइप की एक संरचना बनती है, है ना, इस टाइप की एक संरचना बनती है, ये टिनोप्लाना है। ये किसकी बात करिए, मैंने पूरी की पूरी बात करिए, गोलाकार, अंडाकार, वृत्ताकार, स्पर्श के समान पाए जाते हैं और मुख में नहीं होते हैं। दूसरा मैंने टिनोप्लास्ट की बात करी, और वो कौन सा है, तो टेट्राकुलेटा या टेट्राकुलेटा लगाना है ना, टेट्राकुलेटा। अब मेरे पास दूसरा आता है, दूसरी क्लास मेरे पास आती है, और दूसरी क्लास का नाम है न्यूडा। क्या नाम है हमारे पास में, न्यूडा। शरीर इनका काफ़ी बड़ा होता है, शरीर क्या होता है, बड़ा होता है, आकार जो होता है उसका क्या होता है, आकार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इनका शरीर क्या होगा, बड़ा होता है, और बड़ा होने के साथ साथ में ये निवही होते हैं। निवही यानी कि कॉलोनी होते हैं, यानी कॉलोनी बनाकर रहने का काम भी करते हैं, तो शरीर बड़ा होता है, निवही होते हैं, और इनके अंदर मुख के चारों ओर, मुख के चारों ओर क्या पाए जाएंगे, तो स्पर्शक पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, स्पर्शक, मुख के चारों ओर स्पर्शक पाए जाएंगे, और इनमें ग्रसनी भी होती है, है ना, जो कि अपेक्षाकृत क्या होती है, लंबी होती है। अरे भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा का पूरा पाया जाएगा, यूँ समझ लीजिए, इनकम्प्लीट है, पूरा ढंगा नहीं है, पर कुछ तो है, तो उसके लिए उसकी लंबाई भी होगी। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, वही एग्जाम्पल है जो आते पहले मैंने बात करी थी, और आपको पता भी है, बीरोई, बिल्ली की आँख, बिल्ली की आँख। देखो दोस्तों, अगर प्रश्न आ जाता है कि सिलेंट्रेटस संघ और प्लेटिहेलमिंथिस संघ के बीच में कौन सा संघ रखा गया है, तो सीधा उत्तर आएगा हमारे पास में, टिनोफोरा। टिनोफोरा जो संघ है, खासियत क्या है, पारदर्शी है, चमकीला संघ है या पारदर्शी है। तो अगला प्रश्न पूछ सकता है वो आपको कि टिनोफोरा संघ के कितनी क्लास है, दो क्लास है, कौन कौन सी, टेंटाकुलेटा, और दूसरा कौन सा आएगा, न्यूरा। इसके अंदर कौन से गोलाकार, वृत्ताकार और फीताकार इनमें से किस में है, तो टेंटाकुलेटा में गोलाकार, वृत्ताकार और फीताकार है, जबकि बड़े मुख के चारों स्पर्शक पाए जाने वाली संरचना किसे है, तो न्यूडा के अंदर है, है ना। बिल्ली की आँख, बिरोई, ये अपने को याद होना चाहिए। ये था महत्वपूर्ण एक फाइलम, एक संघ, जिसको हमने एक छोटे से वीडियो में,
है ना, लगभग 12-13 मिनट की इस वीडियो में अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं, तो अपन बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात कर रहे थे, अब महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए कहाँ से बनेंगे प्रश्न, इन्हीं में से आने वाले हैं। तो अगला वीडियो जो आएगा हमारा, उनके साथ में हमने एक नई शुरुआत करी है, जो फाइलम जो चीज़ जिस दिन पढ़ेंगे उसी दिन उसके साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर भी आपके सामने रख देंगे। भले हो सकता है वो एक अलग वीडियो में रखूँ या सेम वीडियो में रखूँ, जैसा भी होगा वैसा हम प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए, है ना। तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहिए, इस सीरीज से जुड़े रहिए। आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं आभारी हूँ, और आपने इस चैनल को काफ़ी सराहा है। मेरा प्रयास लगातार 100% यही रहेगा कि आप लोगों के लिए, लेबर असिस्टेंट के लिए और सभी लोगों के लिए जो भी इससे जुड़ा हुआ है, वो 100% उन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूँ। रही बात एक महत्वपूर्ण पॉइंट, है ना, कि जो लोग PDF की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे PDF की बात करी है, जो संग मैंने आपको पढ़ाया है, मैं PDF उसी संग का, या जो टॉपिक मैं इसमें वीडियो में कंप्लीट करा रहा हूँ उसी संग का PDF मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो आप उसके लिए तैयार रहिए, जब तक के लिए।